जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस वार्म अप सीरीज के तीसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस वार्म अप सीरीज का दूसरा क्लास देखा था। और मेरे मित्र, पिछले 2 दिन से आप सबों को क्लासेस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि माइक जो है वो खराब हो गया था और लास्ट में मुझे बदलना पड़ा। तो आपको सूचना देने के लिए भी माइक चाहिए होता तो माइक हमारे पास अवेलेबल था नहीं, इस वजह से आपकी क्लासेज रुकी हुई थी। बहरहाल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पिछले क्लास के तरह ही 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके एएलपी 2018 एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के आज के इस सेशन का जो बोर्ड पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा है लय, तीसरा है आयाम और चौथा है तरंग दैर्ध्य। क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द पिच ऑफ साउंड इज डैश डिपेंड ऑन। मतलब सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है कि जो तारत्व होती है, यानी कि जो ध्वनि की तारत्व होती है, ध्वनि की तारत्व होती है वो किस पे डिपेंड करता है, ये चीज आपको बताना। बहुत सारे मित्र आंसर सोच लिए होंगे और बहुत सारे मित्र को लग रहा होगा कि गुरुजी ये तारत्व का क्या लफड़ा है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि तारत्व को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और आप सभी जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सर लड़की की आवाज जो है वो पतली होती है, ठीक है, साथ में जो बच्चे होते हैं उसका भी आवाज कैसा होता है, तो आप कहते हैं पतला होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी मेल कैंडिडेट की बात करें तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर इसका जो वॉइस होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। तो सर किसी भी व्यक्ति का या आप कह सकते हो कि किसी भी चीज का जो वॉइस आपको मोटा या पतला महसूस होता है वो किसकी वजह से, ध्यान में रखेंगे पिच की वजह से, यानी कि तारत्व की वजह से। और जो ध्वनि की तारत्व है ये क्या है, तो सर ध्वनि का लक्षण है, यानी कि कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ध्वनि की तारत्व की, ध्वनि की तारत्व की, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो पिच है ये किस पे डिपेंड करती है, तो सर पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कैसे डिपेंड करती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग बात करेंगे हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आवृत्ति क्या होगा सर, ज्यादा होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होगा, तो आप सभी ध्यान में रखना पिच भी क्या होगा, हमारा हायर होगा, हायर पिच होगा। और साथ ही जो वॉइस होगा, जो वॉइस होगा वो कैसा होगा, पतला होगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी की, यानी कि कम आवृत्ति की, लोअर फ्रीक्वेंसी यानी कि कम आवृत्ति की, तो ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा पिच होगा वो क्या होगा सर, वो भी लोअर होगा, और जो हमारा वॉइस होगा वो कैसा होगा सर, मोटा होगा। मतलब हम ये कहेंगे कि जो ध्वनि का तारत्व है ये ध्वनि का लक्षण है जो आवृत्ति पर निर्भर करती है, हाइयर फ्रीक्वेंसी हाइयर पिच, और अगर तारत्व ज्यादा है तो सर जो वॉइस होगा वो क्या होगा, पतला होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, रात के समय में अभी जब आप रजाई ओढ़ के सोते होंगे तो मच्छर आके चला जाता होगा, लेकिन जैसे ही मुंह निकालते हैं बाहर तो मच्छर आके कान के पास भिनभिनाते रहता है, तो वो जो साउंड निकालता है सर उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसीलिए उसका आवाज आपको कैसा लगता है, आप कहते हैं सर पतला लगता है। तो मेरे मित्र फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज अपने मोशन को कितना तेजी से रिपीट कर रही है, और जितना तेजी से रिपीट किया जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि उस साउंड की पिच भी सर उतना ही ज्यादा होगी। मतलब अगर किसी साउंड को हम लोग बहुत तेजी से रिपीट कर रहे हैं तो उसकी तारत्व तो क्या होगी सर, बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो आवाज कैसा लगेगा, पतला लगेगा। और अगर मेरे मित्र हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो कहेंगे सर तारत्व तो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आवाज हमारा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा।
तो सवाल जो करा जा रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के यूनिट की, फ्रीक्वेंसी के यूनिट की, तो नया नया यूनिट क्या है आप कहेंगे हर्ज, और अगर पुराने यूनिट की बात की जाएगी तो कंपन पर सेकेंड, याद रखिएगा। और आपके रेलवे एग्जाम में ये सवाल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि आवृत्ति का पुराना मात्रक है, तो वहां पे आने लगेंगे अगर नहीं मालूम रहेगा तो। अब क्या कहेंगे कि सर अब तो हमको मालूम है कि जो हर्ज है ये नया यूनिट है, जबकि अगर हम लोग पुराना मात्रक की बात करेंगे आवृत्ति की तो वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कंपन पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सर एम्पलीट्यूड भी है, आयाम भी है, ये क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी अनुप्रस्थ तरंग की तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अब अनुप्रस्थ तरंग का ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे मिड पोजिशन, तो मिड पोजिशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा आयाम कहलाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। और साथ ही मेरे मित्र तरंग दैर्ज्य की अगर बात करेंगे तो हम इसी तरंग को अगर आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट करना चाहें कि मान लीजिए कि ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है और ये कुछ इस तरीके से है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वाला पॉइंट शीर्ष हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गर्थ, जिसको हम लोग क्रेस्ट और टर्फ के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि दो कर्मागत शीर्ष या दो कर्मागत गर्त के बीच की जो दूरी होगी वो तरंग दैर्ज्य कहलाती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मीटर लिखते हैं। अच्छा अनुप्रस्थ तरंग है तो हम कह दिए दो कर्मागत शीर्ष और दो कर्मागत गर्त, अनुदैर्ध्य तरंग होता तो क्या कहते सर, अनुदैर्ध्य तरंग का गमन संपीड़न और विरलन यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में होगी, तो हम ये सरलता से कह सकते हैं कि दो लगातार संपीड़नों और दो लगातार जो आपका विरलन है उसके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ज्य यानी कि वेवलेंथ कहलाएगा, जिसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर चूंकि ये दो बिंदुओं के बीच की एक तरह से डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो वेवलेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी दो बिंदु के बीच की लेंथ की बात करेंगे तो मीटर से ही उसको मेजर करेंगे। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, H2O2 प्लस Cl2 जब आपस में रिएक्ट करता है तो 2HCl बनाता है और साथ ही O2 अलग होता है, कह रहा है कि अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। आपका ऑप्शन है एक क्षार, एक बेस की तरह, एक अपचायक की तरह, एक अम्ल की तरह, एक ऑक्सीकारक की तरह। सवाल यहां पे ये है कि सर ये H2O2 क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो H2O2 है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और याद रखिएगा कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अणुसूत्र है, तो आप कहेंगे H2O2, ये जो है ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये H2O2 जो है जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है उतना ही ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इसको तभी कह सकते हैं जब आपके सामने में केमिकल रिएक्शन हो, जैसे कि यहां पे दिया गया है। तो हमको क्या ध्यान में रखना होगा कि सर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तरह कार्य करता है, दोनों के तरह क्या करता है आप सभी ध्यान में रखना, कार्य करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे मित्र रिएक्शन पे आते हैं कि एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि H2O2 रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, जिसकी वजह से यह क्या बना ले रहा है, 2HCl, और साथ में आपका O2 रिलीज हो रहा है। मेरे मित्र गौर फरमाना यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर हम बात करते हैं आपसे कि व्हाट डिड यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो, तो आपका खट से जवाब होगा कि सर वी नो दैट इन अ केमिकल रिएक्शन इफ द ऑक्सीजन इज एडेड एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड,
रिएक्शन बिलोंग्स टू द ऑक्सीडेशन। मतलब क्या कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम इसी जगह पे आपसे रिडक्शन की बात कर लें तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे गुरुजी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुटेगा और क्या होगा? आप कहेंगे ऑक्सीजन हटेगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब इस रिएक्शन पे आप गौर फरमाइए, क्या कहिएगा कि सर इस H2O2 से, इस H2O2 से क्या हो रहा है? तो सर ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। इस H2O2 से क्या हो रहा है सर? ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। तो मेरे मित्र जब ये ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है इससे, तो हम कहेंगे कि यहां पे इसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। ऑक्सीजन अगर इससे बाहर निकल जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि ये क्या कर रहा है सर? तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को दे दे रहा है, और इस जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जा रहा है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना ले रहा है। मतलब क्या हुआ कि सर कुल मिला के ये क्या कर रहा है? तो ये H2O2 यहां पे, ये H2O2 जो है यहां पे क्लोरीन को हाइड्रोजन दे करके क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे सर क्लोरीन को भी रिड्यूस कर रहा है। तो मेरे मित्र जब यहां पे इसके द्वारा रिडक्शन की प्रोसेस को संपन्न की जा रही है तो ये क्या कार्य करेगा? आप कहेंगे सर तब तो यहां पे ये रिड्यूसिंग का, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि सर इससे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि सर ये हाइड्रोजन बाहर निकल करके क्लोरीन के साथ ऐड कर दे रहा है। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुट रहा है तो हम कह रहे हैं कि सर क्लोरीन का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे रिडक्शन। साथ में इससे ऑक्सीजन भी तो अलग हो जा रहा है, तो जब ऑक्सीजन जो अलग हो रहा है तो भी तो इससे आपका क्या कह रहे हैं सर? हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो H2O2 है ये एक्चुअली में यहां पे वर्क किसके जैसा कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा कार्य कर रहा है। किसके जैसा कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तरह कार्य कर रहा है, यानी कि अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। जो मतलब सर अपचयन के लिए हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है, क्योंकि रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन चाहिए, तो सर ये अपचयन के लिए क्या कर रहा है सर? हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है? अपचायक है। अगर ये ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता तो हम लोग क्या कहते हैं? सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक वे होते हैं जो ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, और अवकारक या अपचायक वो होते हैं जो सर रिड्यूसिंग करने का काम करते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे सर एक अपचायक हो जाएगा। अब अगर सवाल आपसे ये कर दिया जाए कि H2O2 है और आपके ऑप्शन में रहे एक क्षार, अपचायक एवं ऑक्सीकारक, एक अम्ल, नन ऑफ दिस, क्या कहेंगे? अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवं रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हैं। डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किसके साथ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और वहां पे हम फर्केट कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमने किया कि सर इससे हाइड्रोजन भी निकल रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है सर? तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन को ये सेपरेट कर दे रहा है तो ऑक्सीजन अलग हो गया। साथ में ये क्लोरीन को क्या कर रहा है सर? हाइड्रोजन देकर के उसके साथ अटैच कर रहा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो कुल मिला के ये रिड्यूसिंग का काम कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करेगा। यहां पे आपके मन में आएगा सर बेस क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, वैसा कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने पर OH- आयन प्रदान करता है बेस कहलाता है। और अगर एसिड की बात करेंगे तो ये H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। और मेरे मित्र ये H+ आयन वाटर में स्वतंत्र नहीं होता है, ये H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जाना LIC एजेंट होता है, LIC करने वाला, तो ऑक्सीकारक एजेंट कहेंगे सर ऑक्सीकरण करने वाला। समझ में आई चीज है? बिल्कुल। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मत, बोरोन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरुजी आप कैसे कह दिए कि बिस्मत जो है वो बॉर्डरलाइन तत्व तो नहीं है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको जरूरी है, पीरियोडिक टेबल को लाना आपके सामने जरूरी है, और शायद मेरे पास हो पीरियोडिक टेबल। हाँ यस है हमारे पास। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, चिलेसी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आप सभी को दिख रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि यहां से शुरू हुई है वर्ग एक से, यहां से शुरू हुई है वर्ग एक से, और ये कहां पे लास्ट हो रही है सर? वर्ग 18 पे। कहां पे लास्ट हो रही है? वर्ग 18 पे।
मेरे मित्र आप सभी कहते हो कि गुरुजी हम इधर से इधर चलेंगे, यानी कि वर्ग एक हमारा बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में, और ये वर्ग 18 हमारे राइट साइड में है। तो आप क्या कहते हो कि सर लेफ्ट साइड में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारा धातु है और राइट साइड में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो आपको अधातु है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना, यहां पे आप सभी ध्यान देना कि ये जो धातु और अधातु है वो एक दूसरे से अलग कहां पे हो रहे हैं। तो ये जो आप हरा वाला संरचना देख रहे हो, ये जो आप हरा वाला संरचना देख रहे हो चिला जी, ये हरा वाला संरचना, इसके थ्रू धातु और अधातु क्या हो रहे हैं सर, अलग हो रहे हैं। और आवर्त सारणी में आपका मेटल और नॉन मेटल अलग किसके थ्रू होता है, तो इसी जिगजैग लाइन के थ्रू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़ा लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में धातु और अधातु एक दूसरे से अलग इसी सीढ़ी नुमा लाइन या जिगजैग लाइन के सहारे होती है। और मेरे मित्र ये जो सीढ़ी नुमा लाइन है इसके बीच में जो तत्व है वो आप कह सकते हो कि धातु और अधातु दोनों के लिए बॉर्डर का कार्य कर रहा है। और मेरे मित्र इसके बीच में जो तत्व है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये सभी तत्व क्या है आप ध्यान में रखेंगे, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। मतलब क्या हुआ कि सर आवर्त सारणी में धातु और अधातु का जो बॉर्डर है वहां पे उपधातु मौजूद है, धातु और अधातु का जो बॉर्डर है वहां पे क्या मौजूद है, उपधातु मौजूद है। तो जो आपका उस बॉर्डर में तत्व होगा वो बॉर्डर लाइन तत्व कहलाएगा, जो नहीं होगा वो बॉर्डर लाइन नहीं होगा। मेरे मित्र अगर आप देखोगे उपधातु की, तो बोरोन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ये सब क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे सर उपधातु, यानी कि मेटालॉइड कहलाते हैं। जबकि कहीं पे भी बिस्मत है, आप कहेंगे सर बिस्मत बॉर्डर लाइन के बाद है, तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमने क्या टिक करा कि सर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिस्मथ जो है वो बॉर्डर लाइन तत्व तो नहीं है, जबकि जितने भी उपधातु होंगे उसको हम बॉर्डर लाइन तत्व तो कह सकते हैं। या बेसिकली आप सभी ये याद ही रख लीजिएगा अभी से कि बॉर्डर लाइन तत्व तो की बात की जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि उपधातु की बात की जा रही है, यानी कि मेटालॉइड की बात की जा रही है। अच्छा मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेटालॉइड है इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, ये आपको कुछ धातु के तरह बिहेव करेगा और कुछ अधातु के तरह बिहेव करेगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण शो करता है, यानी कि दोनों के बीच में जो आपका कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसको प्रदर्शित करता है। जैसे हम लोग कहते हैं धातु से सर चालक बनाते हैं और अधातु से कुचालक, तो उपधातु से क्या बनाते हैं, उपधातु से हम लोग अर्धचालक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। चला जी जैसे ही गति के समीकरण की बात की जाएगी आप किसका नाम लेंगे, गैलीलियो का नाम लेंगे। कितने समीकरण दिए थे गैलीलियो बाबा सर, 3, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये तीनों समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, तो बराबर के इस साइड में वेग है और बराबर के इधर लास्ट में सर समय है, तो पहला समीकरण चला वेग और समय के बीच संबंध बताएगा। ये दूरी या स्थिति कह सकते हो, इधर टी है तो समय, दूसर का समीकरण चला दूरी और समय के बीच संबंध बताएगा। यहां वेग और यहां एस, इसको स्थिति भी कहते हैं, तो वेग और स्थिति सर तेसर का समीकरण से पता चलेगा। मतलब गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण दूरी और समय या स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है, और तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप कहेंगे सर वेग और समय के बीच संबंध बताता है। स्थिति और समय के बीच, आप कहिएगा सर पोजिशन एंड टाइम के बीच जो है वो गति का थर्ड इक्वेशन रिलेशन बताएगा। और यहां पे है स्थिति और वेग, स्थिति और वेग, वेग और समय, और सॉरी सॉरी सॉरी, स्थिति और समय थर्ड नहीं होगा चिला, सेकेंड होगा, सेकेंड इक्वेशन। और यहां पे जो स्थिति और वेग दिया हुआ है तो याद रखिएगा ये थर्ड इक्वेशन बताएगा, हाँ। और वेग और त्वरण ऐसा कोई यहां पे नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि सर इन सभी में त्वरण को क्या माना जाता है, तो सर एक समान माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं चला,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। सभी जीन अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का एक चौथाई हिस्सा, अपने जीन का तीन चौथाई हिस्सा। क्या कहोगे कि सर यौन प्रजनन में माता पिता का जो जीन का योगदान होता है वो आधा आधा होता है। और मेरे मित्र यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुवांशिकी की इकाई क्या कहलाती है तो आप सभी क्या जवाब देंगे, अनुवांशिकी की इकाई क्या कहलाती है, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट टू यूज। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मतलब बोलने में या जिसको हम नहीं लिख सकते हैं। पहला है एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु और एक यौगिक का एक परमाणु। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, यहां पे मोल की बात की जा रही है। बस बेसिक चीज समझिएगा चिला जी कि अगर हम मोल की बात करते हैं, अगर हम मोल की बात करते हैं तो मोल का मतलब ही हो जाता है हीप, या इसका मतलब हम लोग पढ़ते हैं ढेर। क्या पढ़ते हैं सर, ढेर पढ़ते हैं, किसी भी चीज का ढेरी। अब ध्यान देंगे कि यूज कहां पे करते हैं सर, केमिस्ट्री में करते हैं। एक्चुअली में अगर हम लोग पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं, तो उसके लिए यूनिट मोल लिखते हैं। अब मेरे मित्र आपके पास केमिस्ट्री में जो तत्व, केमिस्ट्री में जो पदार्थ हैं, अगर हम केमिस्ट्री में पदार्थ की बात करते हैं तो उसमें आपका तत्व आ जाता है और फिर कौन आता है सर, यौगिक आ जाता है। तत्व आ जाता है और यौगिक आ जाता है मेरे मित्र। और क्या आ जाता है तो सर तत्व यौगिक के बाद आयन भी आ जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी तत्व में कितने परमाणु उपस्थित हैं, हम लोग कहते हैं सर कि किसी भी तत्व में जो टोटल परमाणु उपस्थित होगा वो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होगा, यानी कि एवोगाड्रो नियतांक के बराबर होगा। किसी यौगिक में कितने होंगे, आप कहेंगे सर यौगिक में जितने भी कण होंगे वो भी एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट के बराबर होंगे। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कण क्या है, भाई मेरे अगर हम लोग बात करते हैं तत्व का सूक्ष्मतम कण, तो आप कहिएगा सर जी तत्व में तो परमाणु रहेगा और यौगिक में क्या रहेगा, अणु रहेगा, आयन में तो सर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहेगा। मेरे मित्र हम आपसे ये कह रहे थे कि किसी किसी एक मोल तत्व में टोटल परमाणु कितना होगा, आप कहेंगे सर एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट के बराबर। किसी एक मोल यौगिक में टोटल अणु कितने होंगे, एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट के बराबर, 6.022 × 10⁻³। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअली में ये जो मोल और ढेर शब्द है वो केमिस्ट्री में उपयुक्त होने वाले पदार्थों के लिए किया जाता है यूज, जहां पे ये सर किसी एक परमाणु, या आप कह सकते हो कि मतलब किसी एक तत्व, किसी एक यौगिक या आयन में उपस्थित कुल परमाणु अणु या आयनों की संख्या को बताती है। तो यहां पे जो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक तत्व का एक मोल, तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग इसका यूज करते हैं। एक यौगिक का एक मोल, ये भी सही है, किसी यौगिक का एक मोल कितना द्रव्यमान, कितना ग्राम होगा, तो सर उस यौगिक का जो अनुभार होगा, जैसे CH4 का एक मोल, तो CH4 का टोटल अनुभार कितना है, तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, 12 × 4 = 16। अब सोडियम अगर हम पूछ दें कि सोडियम का एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहते हैं सोडियम 11 23, तो सोडियम का एक मोल जो है वो 23 ग्राम हो जाएगा। एक तत्व का एक परमाणु, ये भी बात कह सकते हैं क्योंकि तत्व का सूक्ष्म परमाणु होता है। एक यौगिक का एक परमाणु, ये बात तो गलत ना हो जाएगा चिल्ला, यौगिक कह रहे हैं तो अणु न कहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, तो जाहिर सी बात है आप क्या कहिएगा कि गुरुजी तीन गो स्टेटमेंट सही है, आई चार गो चौथा जो है वो गलत है, और हमको क्या क्या चूज करना था, तो सर जो गलत है, गलत कौन है, डी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो कोई लाग लपेटा इसमें था ही नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, ठीक है, रीजेनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है। रीजेनरेशन का मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी जीव के बॉडी को आप काट दें और फिर जगह दूसरे जगह पर रख दें, धीरे धीरे वो फिर से डेवलप हो जाएगा, इसी को हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। और बडिंग तो सर आप लोगों ने हाइड्रा का नाम सुना ही होगा, इसके बॉडी से क्या होता है सर, छोटा छोटा इस तरह से बड निकल जाता है और इसी को तोड़ के, इसी कली को तोड़ करके आप लगा दो, दूसरे जगह भी हो जाएगा। ध्यान में आप ये रखिएगा कि
यहां पे जो खमीर की बात की जा रही है, ईस्ट की बात की जा रही है, इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। तो ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके लिए आप सबों को ध्यान में रखना होगा, इसमें मुकुलन एवं विखंडन दोनों के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। यानी कि जो आपका बाइनरी फ्यूजन है और जो बडिंग है, इस दोनों ही प्रक्रिया के थ्रू क्या होती है, तो सर खमीर यानी कि ईस्ट में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, प्लाज्मोडियम में जो है वो मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं हिंदी में, बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। जबकि मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे कहते हैं कि सर इसमें जो है वो मुख्य रूप से बडिंग के थ्रू क्या होती है, तो सर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो संपन्न होती है। जबकि अगर हम लोग हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में क्या होता है आप सभी ध्यान में रखेंगे, हाइड्रा में रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन एवं मुकुलन, पुनर्जनन एवं मुकुलन बोले तो बडिंग दोनों होता है। और आपसे सवाल करा जा रहा है कि कौन से जीव में पुनर्जनन और मुकुलन दोनों होता है या दोनों से प्रजनन करता है, आप कहेंगे सर अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्लेनेरिया यहां पर बडिंग नहीं होगा, प्लेनेरिया यहां पे रीजेनरेशन होगा। प्लेनेरिया क्या होगा? रीजेनरेशन, पुनर्जनन। ठीक है, तो यह चीज ध्यान में रखेंगे कि केवल रीजेनरेशन के थ्रू प्लेनेरिया, जबकि रीजेनरेशन और बडिंग की बात करेंगे यानी कि पुनर्जनन और मुकुलन की बात करेंगे तो हम लोग किसका नाम लेंगे? हाइड्रा का नाम लेंगे, रीजेनरेशन एंड बडिंग, रीजेनरेशन एंड बडिंग। जबकि प्लेनेरिया में हम लोग कहेंगे सर केवल पुनर्जनन के थ्रू क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस संपन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र ये मान लीजिए गोलाकार दर्पण है कोई और इसका प्रतिबिंबित सतह का केंद्र, तो आप क्या कहेंगे? सर ये होगा, इसको ध्रुव कहते हैं, यहां पे ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये यहां से लेकर के यहां तक क्या कहलाएगा? मुख अक्ष कहलाएगा, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष के नाम से भी जानते हैं। आप कहेंगे सर हमसे तो इस सेंटर वाला पॉइंट पूछा जा रहा है, बिल्कुल, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिज्या, तो सर वक्रता त्रिज्या को ही यहां पर त्रिज्या कहा जाएगा। वक्रता का केंद्र, तो सर वक्रता त्रिज्या का जो पॉइंट है यही वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस, तो आप कहेंगे सर ये वाला बिंदु फोकस हो जाएगा। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी आप कहेंगे फोकल दूरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि कुलम्स बाबा ने नियम दिए थे कि जब Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तब उसके बीच में जो बल लगने वाला बल होगा दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। कौन सा नियम है सर? आप कहेंगे गुरुजी ये कुलम्स लॉ है। क्या है? कुलम्स लॉ है, कुलम्स लॉ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्कमिडीज सिद्धांत, आर्कमिडीज के द्वारा दिया गया। उत्प्लावन बल के बारे में आर्कमिडीज बताए। माइकल फ्राइडे, सर चुंबकीय प्रेरण की खोज करी। और भी बहुत सारे चीज है जो माइकल फ्राइडे के द्वारा बताया गया। अच्छा चार्ल्स डुफे, तो ये भी साइंटिस्ट जो है वो चार्ज के पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में ही क्या कर रहे थे सर, डिस्कवरी कर रहे थे। लेकिन इनके बारे में, चार्ल्स डुफे के बारे में उतना कोई थ्योरिटिकल चीजें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है, केटायन है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग आयन की बात करते हैं, आयन की बात करते हैं तो आयन कैसे फॉर्म होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से आपका आयन फॉर्म होता है। और चिला जी आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका केटायन जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है आपका एनायन जो कि निगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा एक धन आयन है यानी कि केटायन है, तो हाइड्रोक्साइड हम लोग OH- इस तरीके से लिखते हैं, नाइट्रेट सर NO3- लिखते हैं इसके लिए, और कार्बोनेट इसके लिए सर CO3 2- लिखते हैं, और अमोनियम तो मेरे मित्र इसके लिए हम लोग NH4+ लिखते हैं। तो क्या होगा आंसर? आप कहेंगे सर धनायन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौंग अंग कौन सा है, प्रोस्टेट,
ब्रीसन, वास डिफरेंस, वीरपुटी का। आप कहेंगे सर टेस्टिस जो है इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। जबकि अगर हम लोग प्रोस्टेट की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर एक प्रकार की ग्लैंड्स होती है, जिससे क्या होता है तो सर जो सीमेन का एक स्पेशल टाइप का स्मेल होता है उसके लिए सर ये लिक्विड क्या करता है सर, जेनरेट करता है। वास डिफरेंस तो सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर शुक्रवाहिका, जो शुक्राणु को ब्रीसन से क्या करती है, बाहर निकालती है, और आपके बॉडी से जो स्पर्म बाहर निकलता है वो किसके थ्रू सर, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, आप सभी बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है तो धातु ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी की तरह से एक समान ही प्रतिक्रिया होगी, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होगी, बी के तुलना में भारी। आप क्या कहेंगे कि सर अगर कोई तत्व किसी यौगिक से किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर देता है तो जो विस्थापित करने वाला तत्व है वो क्या है सर, ज्यादा अभिक्रियाशील है। और सेम कंसेप्ट यहां भी कि धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है तो धातु ए बी की तुलना में क्या होगा, आप कहेंगे अधिक प्रतिक्रियाशील यानी कि अधिक रिएक्टिव होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा जा रहा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। मेरे मित्र इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बाहरी दो सेल अधूरे होते हैं, बाहरी दो सेल क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ये किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, तो चिला जी याद रखिएगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और वर्ग तीन से बारह तक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, वर्ग तीन से बारह तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है, तो वह तत्व जिनके तीन सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, नहीं सर क्या होते हैं, बाहरी दो सेल अधूरे होते हैं। वह तत्व जिनमें धातु और गैर धातु दोनों के गुण होते हैं, नहीं होगा, इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके पीरियोडिक टेबल में दो तरह के तत्व देखने को मिलेंगे, एक तो संक्रमण तत्व और दूसरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि अंतः संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर सिर्फ और सिर्फ संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और वर्ग तीन से लेकर के बारह तक के जो तत्व होते हैं अवर सारणी में, उसे क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सर ये भूलवश टाइपिस्ट से सर रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, आप कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, क्या होगा इसका आंसर। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो मस्तिष्क है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और साथ ही ध्यान में रखना इसके तीन पार्ट होते हैं जिसका नाम दिया हुआ है, अग्र मस्तिष्क, फिर आपका मध्य मस्तिष्क और फिर आपका अनुमस्तिष्क। मेरे मित्र याद रखिएगा कि यहां पे जो सेरिबेलम है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं सर, तो सर इसको हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं यानी कि अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, और जो आपका पश्च ब्रेन है उसी को हम लोग सेरिबेलम के नाम से जानते हैं, जबकि जो आपका अग्र मस्तिष्क है इसको हम लोग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि अग्र मस्तिष्क में क्या होती है, तो सर आपके अग्र मस्तिष्क में सोचने समझने की क्या होती है सर, सोचने समझने की क्षमता होती है। तो जाहिर सी बात है कि सोचने समझने की क्षमता अगर अग्र मस्तिष्क में है तो विचार भी संग्रह अग्र मस्तिष्क में ही होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी मध्य मस्तिष्क क्या करता है, तो मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आंख की पेशी जो होती है सर उसका नियंत्रण करता है, संतुलन एवं आंख की पेशियों का नियंत्रण करता है, ठीक है। और जो आपका अनुमस्तिष्क होता है ये क्या करता है सर, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ये आपका ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं,
और जो आपका अनुमस्तिष्क है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, आप सभी कहेंगे सर अग्र मस्तिष्क। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। मेरे मित्र जब मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट करती है तो 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्योंकि ये धातु के ऑक्साइड है दैट्स व्हाई इसका नेचर कैसा होगा, आप कहेंगे गुरुजी बेसिक यानी कि क्षारीय होगा। तो आपके किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर सी में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है, यानी कि महासागरों में जो बहुत ज्यादा मात्रा में शैवाल मौजूद होते हैं तो वो किसका एक अंतहीन स्रोत माना जाता है। याद रखिएगा मीथेन का अंतहीन स्रोत माना जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है नाभिकीय ऊर्जा, तो दो प्रकार के होते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संयोजन से प्राप्त होंगे। महासागरीय तापीय ऊर्जा यानी कि महासागर के जो आपका थर्मल है मतलब उसके अंदर का जो एनर्जी है उसी को हम लोग महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। और सागर यानी कि समुद्र से जो हमको लहर से ऊर्जा मिलेगी उसको हम लोग सी वेव एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया, आप कहेंगे सर कैलकुलस यानी कि गणना का आविष्कार किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, विविध मिश्रण पायस ठोस विलयन और कोलाइडी विलयन, आप कहेंगे सर जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं का आपस में एक समांगी मिश्रण होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो किस रूप में होंगे सर, ठोस विलयन के रूप में होते हैं। तो आज के इस सेशन में आपका टोटल 20 क्वेश्चन था, ये 21 इसलिए हो रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका रिपीट था और मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको दोबारा इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।